हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश हंगामा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राम कुमार। हमारा टॉपिक है नाउंस। इसमें हम ये जानेंगे कि नाउन क्या होता है तथा नाउंस को कैसे पहचाने। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नाउंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत पहले से नाउन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। Noun is the name of a person, place, animal, quality or thing. इस डेफिनेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, या एनिमल का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, या थिंग्स का नाम हो, वो नाम ही नाउन है। इससे एक छोटी सी डेफिनेशन निकल करके आती है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, की वस्तुओं के नाम ही नाउन्स हैं। फिर भी यदि हम बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रख दें, 20 नाउन्स के नेम बताइए, तो बच्चे असहज हो जाते हैं। या कुछ बड़े बच्चों के सामने बोल दिया जाए कि 50 नाउन के नेम बताइए, 100 नाउन्स के नेम बताइए, या 200 नाउन्स के नेम बताइए, तो वे बड़े असहज हो जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, ये बहुत आसान है, क्योंकि हम कह सकते हैं, बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि हमें अपनी आंखों से जितनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वे सब नाउंस हैं। हमें अपने सामने सोहन, मोहन, सीता, गीता, मीता, या हम अगर अपने बेडरूम में देखें तो बेड, बेडशीट, पिलो, कुशन, फ्लोर, फोटोग्राफ, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, कर्टेन, डोर, इतनी सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जो भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ रही हैं वे सभी नाउंस हैं, अर्थात द ऑब्जेक्ट्स विच वी सी थ्रू आवर आईज आर नाउंस। वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं वे सब नाउंस हैं। एक बार पुनः हम पुरानी डेफिनेशन की ओर लौटेंगे कि जिसमें कहा गया है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो हम पर्सन्स को देखते हैं अपनी आंखों से, जैसे सोहन, जॉन, अमन, रोशनी, या और भी कोई नाम हो सकते हैं जिनको हम देखते हैं, तो ये पर्सन्स के नेम भी नाउन की कैटेगरी में आएंगे। नेम्स ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम भी नाउंस कहलाएंगे, जैसे आगरा, दिल्ली, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, या और अन्य स्थान, ये सब नाउंस की श्रेणी में आएंगे। नेम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नेम भी नाउन होते हैं, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, हार्डनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, ये सब क्वालिटीज हैं और ये भी नाउंस की श्रेणी में आएंगी। इसी तरह से नेम्स ऑफ थिंग्स, चेयर, टेबल, बनाना, या अन्य सारी चीजें, ये सब नाउन की श्रेणी में आएंगी। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउंस। नाउंस के टाइप्स, नाउंस के दो टाइप होते हैं, एक काउंटेबल नाउंस तथा अनकाउंटेबल नाउंस। वे नाउंस जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, ऐसे नाउंस को हम काउंटेबल नाउंस कहते हैं। इसके विपरीत, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, 1, 2, 3, 4, 5 करके काउंट नहीं कर सकते, ऐसी नाउंस को अनकाउंटेबल नाउंस कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज 4 बॉयज 5 बॉयज, इस तरह से हम संख्या इनकी बता सकते हैं और इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन्स। चेयर, चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर 2 चेयर्स 3 चेयर्स 4 चेयर्स, और इस प्रकार ये चेयर काउंटेबल नाउन होगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 अम्ब्रेला 2 अम्ब्रेलाज 3 अम्ब्रेलाज 4 अम्ब्रेलाज। इसी तरह से गर्ल को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 गर्ल 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स, और इस प्रकार ये सभी नाउंस काउंटेबल नाउंस हैं। इसके विपरीत अनकाउंटेबल नाउंस, डस्ट,
हम डस्ट को काउंट नहीं कर सकते, वन डस्ट टू डस्ट थ्री डस्ट नहीं कह सकते। इसी तरह से मिल्क को भी हम वन मिल्क टू मिल्क थ्री मिल्क नहीं कह सकते। वाटर, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर। या ऑनेस्टी, ये क्वालिटी है, एक ईमानदारी दो ईमानदारी तीन ईमानदारी, इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते। ब्रेवरी काइंडनेस, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। अतः ये सभी अनकाउंटेबल नाउंस हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं काउंटेबल नाउंस के। जैसे ट्री, ट्री को हम काउंट कर सकते हैं, वन ट्री टू ट्रीज थ्री ट्रीज फोर ट्रीज। डॉक्टर, वन डॉक्टर टू डॉक्टर थ्री डॉक्टर्स। टीचर, वन टीचर टू टीचर्स थ्री टीचर्स फोर टीचर्स। इसी तरह से आइडिया, आइडिया यद्यपि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फिर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, वन आइडिया टू आइडियाज थ्री आइडियाज। प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम्स थ्री प्रॉब्लम्स। तो ये भी सभी काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें हार्डनेस, वन हार्डनेस टू हार्डनेस थ्री हार्डनेस नहीं कह सकते, वन साइंस टू साइंस थ्री साइंस नहीं कह सकते, वन वेल्थ टू वेल्थ थ्री वेल्थ, इस तरह से हम इनको काउंट नहीं कर सकते। सक्सेस, वन सक्सेस टू सक्सेस थ्री सक्सेस नहीं कह सकते, वन करेज टू करेज थ्री करेज, इस तरह से भी हम इनको नहीं कह सकते। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउंस को फाइव कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इन सब के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस डेफिनेशन में देखेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन के नाम को, पर्टिकुलर प्लेस के नाम को या पर्टिकुलर थिंग्स के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सोहन, सोहन के जैसा और कोई नहीं, ये पर्टिकुलर है, ये अपने आप में अनोखा है। यद्यपि सोहन के नाम के और सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन हम जिस सोहन की बात कर रहे हैं उसके जैसा और कोई नहीं। रोशनी, हम जिस रोशनी की बात कर रहे हैं उसके जैसा और कोई नहीं। सरला, सरला नाम की और लड़कियां महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन हम जिस सरला की बात कर रहे हैं उसके जैसा और कोई नहीं। तो जो प्रॉपर नाउंस हैं वो अपने आप में अनोखे होते हैं, उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुषों या महिलाओं के नाम हैं वे भी वे सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसी तरह से प्लेसेस के नाम, जैसे आगरा, ये स्थान का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, दिल्ली और किसी जगह के नाम हो सकते हैं, लेकिन हम जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, उसकी जैसी और कोई दिल्ली नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ताजमहल, हम जिस ताजमहल की बात कर रहे हैं उसके जैसा और कोई ताजमहल नहीं हो सकता, ये अपने आप में अनोखा है। या गोल्डन टेम्पल, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ये अपने आप में अनोखा है। और ये सब प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। नंबर टू हम देखेंगे कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। इसका मतलब है कि ऐसा शब्द जो सबके लिए कॉमन हो, ऐसे शब्द को कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, पूरे संसार भर के बॉय, सब जितने भी लड़के हैं हम सबको लड़के कहेंगे, सबको बॉय कहेंगे। तो ये शब्द बॉय शब्द सभी लड़कों के लिए कॉमन है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। तो वे ऐसे शब्द जो सबके लिए कॉमन होते हैं, ऐसे शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे बटन, बटन भी कॉमन नाउन है, चाहे मेरी शर्ट का बटन हो, आपकी शर्ट का बटन हो, दुकान में रखा हुआ बटन हो, छोटा बटन हो, बड़ा बटन हो, ये सबके लिए कॉमन शब्द है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी तरह से चेयर, चाहे ऑफिस की चेयर, घर की चेयर, कहीं की भी चेयर, ये सबके लिए कॉमन शब्द है। गर्ल, फ्रिज, चाहे वो किसी भी ब्रांड का फ्रिज हो, लेकिन सबके लिए हम फ्रिज ही कहेंगे, छोटा बड़ा सब, ये फ्रिज शब्द एक कॉमन शब्द है उस तरह की मशीन के लिए, इसलिए ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से हेलमेट, फैन, डॉग, बुक,
ये सभी कॉमन नाउन हैं, चाहे वो मेरी अलमेरा में रखी हुई बुक हो, चाहे सोहन पढ़ रहा हो, मोहन पढ़ रहा हो, मैं पढ़ रहा हूं, वो सभी बुक्स कहलाएंगी। ये बुक सभी पुस्तकों के लिए कॉमन शब्द है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से डोर, कैट और वुमेन, ये सब भी कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा शब्द जो सबके लिए कॉमन हो वह कॉमन नाउन कहलाएगा। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो चीजों के या व्यक्तियों के कलेक्शन के लिए या उनके ग्रुप के लिए हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहां पर एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम चीजों का या व्यक्तियों का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन के लिए जब हम एक नया नाम देते हैं तो वो नया नाम कलेक्शन कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे किसी भी क्लास में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स 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 बिठा लें, किसी जगह ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, बल्कि इन सभी स्टूडेंट्स को जब हम एक नया नाम दे देते हैं और वो है क्लास, तो क्लास कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का, सोल्जर्स का कलेक्शन, उसको जब हम एक नया नाम दे देते हैं, आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन होगा। बुक्स, ढेर सारी बुक्स हम कर लें, 100, 200, 1000, लैक्स, चाहे जितनी बुक्स कर लें, लेकिन बुक्स कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ। जब हम उस बुक्स के कलेक्शन को, बुक्स के ग्रुप को एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ कैटल, कैटल का समूह, कैटल का कलेक्शन हर्ड कहलाता है और हर्ड कलेक्टिव नाउन होगा। तो इस डेफिनेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि जब हम बहुत सारी चीज, एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को नया नाम देते हैं, वो नया नाम ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हम कलेक्टिव नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, तो ये फ्लॉक कलेक्टिव नाउन होगा। ग्रुप ऑफ थीव्स, चोरों के झुंड को गैंग कहते हैं, गैंग कलेक्टिव नाउन होगा। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समूह, इसको बुके कहते हैं, तो बुके कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाजों का झुंड या जहाजों का समूह, इनको फ्लीट कहते हैं, फ्लीट कलेक्टिव नाउन होगा। जूरी, जजेस का ग्रुप, तो जजेस के ग्रुप के लिए जूरी कहते हैं और जूरी कलेक्टिव नाउन होगा। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। वह मैटर, वह सब्सटेंस जिससे चीजें बनती हैं, वह मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे टेबल या चेयर, टेबल और चेयर मटेरियल नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन टेबल और चेयर किस मैटर से बनी हैं, वो मैटर मटेरियल नाउन होगा। तो टेबल और चेयर लकड़ी से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, इसलिए ये वुड मटेरियल नाउन होगा। फ्रिज, एलमिरा कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन ये कॉमन नाउन किस चीज से बनी हुई हैं, ये फ्रिज, एलमिरा और हमारे घर के यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स जो कि आयरन से बने होते हैं, तो वो यूटेंसिल्स मटेरियल नाउन नहीं है, बल्कि वो जिस मैटर से, आयरन से बने हुए हैं, वो मैटर मटेरियल नाउन होगा। इस तरह से ये आयरन मैटर मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह से वाटर, फ्लोर, प्लास्टिक, गोल्ड, ये सब भी मटेरियल नाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेकलेस या रिंग, रिंग और नेकलेस ये कॉमन नाउन है, लेकिन रिंग और नेकलेस किस मैटर से बनी है, ये गोल्ड से बनी है, इसलिए गोल्ड मटेरियल नाउन होगा। चपाती, बिस्किट,
कॉमन नाउन है, लेकिन चपाती और बिस्किट किससे बनी हुई है? आटे से बने हुए, फ्लोर से बने हैं। तो फ्लोर मटेरियल नाउन होगा, अर्थात मटेरियल नाउन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीजें जिस मैटर से बनी ही होती हैं, जिस सब्सटेंस से बनी होती हैं, उस सब्सटेंस का नाम, उस मटेरियल का नाम ही मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे घर में बाल्टी या चेयर, तो बाल्टी, बकेट या चेयर ये कॉमन नाउन है, लेकिन बकेट और चेयर ये किस मटेरियल से बनी है, किस मैटर से बनी है? वो बनी हुई है प्लास्टिक की, तो इसलिए प्लास्टिक ही मटेरियल नाउन होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्वालिटी के नाम, स्टेट और एक्शन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। हम दूसरे शब्दों में देखें कि वे चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिनका हम साइज, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वे सब नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। तो मित्रों यहां पर ये देख लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें कि वे नाउन्स जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, ऐसी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले टर्न होगा क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ऑनेस्टी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम ऑनेस्टी को देख नहीं सकते। ऑनेस्टी काली है, पीली है, गोरी है, स्क्वायर साइज की है, रेक्टेंगल साइज की है, कुछ नहीं देख सकते, केवल वी कैन फील, ओनली वी कैन फील ऑनेस्टी, इसलिए ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह से ब्रेवरी, ब्रेवरी को भी हम महसूस कर सकते हैं। हार्डनेस, डार्कनेस, काइंडनेस, विजडम, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता को हम विजडम को देख नहीं सकते, हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिटीज के नेम्स हैं और ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्टेट। इस स्टेट को भी हम टच नहीं कर सकते, जैसे चाइल्डहुड छोटी है, बड़ी है, कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नहीं पता लगा सकते। पॉवर्टी, जवानी, यूथ, प्लेजर, आनंद, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप या डेथ, इन सबको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्शन। एक्शन के नेम्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जैसे लाफ्टर, हंसी, रिवेंज, बदला, जजमेंट, हेट्रिड, मूवमेंट, ये सभी एक्शंस हैं, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। मित्रों अगर ये आपको चैनल पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इस नाउन से बेस्ड, जिसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा शब्द किस प्रकार का नाउन है। एक्सरसाइज है पॉइंट आउट नाउन्स एंड टेल देयर काइंड्स। पहला सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस में ट्रूथ नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड सेंटेंस, नवीन कुमार इंस्पायर्ड मी। इस सेंटेंस में देखें मित्रों कि नवीन कुमार प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। थर्ड सेंटेंस, द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। इसमें तीन नाउन्स हैं, गंगा प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर विशेष नदी का नाम है, रिवर ये कॉमन नाउन है क्योंकि सभी नदियों के लिए ये कॉमन शब्द है, किसी भी नदी के लिए रिवर वर्ड का यूज होता है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। इस सेंटेंस में टू नाउन्स हैं, चेयर कॉमन नाउन है और आयरन मटेरियल नाउन है क्योंकि चेयर जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल का नाम है आयरन, इसलिए आयरन मटेरियल नाउन होगा। अगले हम सेंटेंस में देखें,
अभिनव कुशवाहा हेल्प्ड मी, इसमें अभिनव कुशवाहा ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए अभिनव कुशवाहा प्रॉपर नाउन है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट दो नाउन हैं। मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं और सब्जेक्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, इस सेंटेंस में टू नाउन्स हैं, विक्रमादित्य एंड जस्टिस। विक्रमादित्य एक विशेष व्यक्ति का नाम है, राजा का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस लाइब्रेरी कंसिस्ट्स ऑफ 10 लाख बुक्स, इसमें टू नाउन्स हैं, लाइब्रेरी और बुक्स। लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, और बुक्स ये कॉमन नाउन है। थैंक यू।